काउंटिंग सेंटर पर है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चारों तरफ की गई है बैरिकेडिंग। 23 मई को आएंगे वोटिंग के रिजल्ट। मुस्तफाबाद में घर के बाहर चली ताबड़तोड़ गोलियां, पुरानी रंजिश को लेकर हुई गोलीबारी, नहीं हुई कोई हताहत। पूर्वी दिल्ली के भोलानाथ नगर में एक घर में हुई लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, गैस पाइपलाइन के जरिए घर में घुसा चोर। राजधानी दिल्ली में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ बारिश ने दी गर्मी से राहत, कई जगह हुआ जल भराव। और पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस और आप नेताओं ने गठबंधन होने के फायदे नुकसान पर दी अपनी प्रतिक्रिया, बिना गठबंधन के जीत का किया दावा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार 23 मई को खत्म हो जाएगा। दिल्ली में कुल 7 सेंटर काउंटिंग के लिए बनाए गए हैं, जहां लोगों के लिए काउंटिंग लाइव देखने की सुविधा भी होगी। बात करें पूर्वी दिल्ली की, तो यहां की काउंटिंग अक्षरधाम के पास बने कॉमनवेल्थ कंपाउंड में होगी, जहां हमारी टीम यहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंची, तो देखा केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और वहां हर किसी की चेकिंग की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम के खेल गांव में मैं इस समय मौजूद हूं। आपको बताने लेकर आए हैं कि आखिरकार जो वोटिंग हुई है उसका जो रिजल्ट है कब और कैसे आएगा, कितनी सिक्योरिटी है, वही दिखाने आपको लेकर आए हैं। खेल गांव में अपने ईस्ट दिल्ली की जो काउंटिंग है वो होनी है। जितने भी वोटर्स ने वोट डाले हैं, जिस भी पार्टी को डाले हैं, उनकी काउंटिंग यहाँ होनी है और पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के यहाँ पर किए गए हैं। देख सकते हैं चारों तरफ बैरिगेटिंग कर दी गई है और इस दायरे के अंदर कोई भी अज्ञात व्यक्ति या बाहर की कोई प्राइवेट गाड़ी की एंट्री भी बैन कर दी गई है। पुलिस के जो जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं और लगातार इनकी ड्यूटी 23 तारीख तक यहां पर होने वाली है। लेकिन कोई भी अगर इन्हें अंदेशा ये होता है कि प्राइवेट कोई लोग अंदर आना चाह रहे हैं तो उनकी एंट्री पूरी तरह से बैन है। लेकिन हाँ, सिर्फ आईडी कार्ड के साथ जिन लोगों की अंदर ड्यूटी लगाई गई है उन्हीं की एंट्री यहाँ से की जा रही है। कैमरा पर्सन मोहित कैंत के साथ वंदना कश्यप, सीसीएन। वहीं उत्तरी पूर्वी दिल्ली के वोटों की काउंटिंग नंदनगरी के आईटीआई में होगी, वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां आसपास के एरिया में पुलिस की ओर से खासी सख्ती बरती जा रही है और लोगों को ना तो वहां गाड़ियां पार करने दी जा रही हैं और ना ही बिना चेकिंग के कर्मचारियों को अंदर जाने की इजाजत दी गई है। यहां सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने की परमिशन है जो यहां कर्मचारी हैं। सातों चरणों में चुनाव की जो प्रक्रिया है लगभग समाप्त होने वाली है। 19 मई को लास्ट चुनाव है, 12 मई को दिल्ली में भी 7 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। उसके बाद जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीटों पर जो चुनाव है उनकी गिनती होगी शुरू 23 मई को। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट की जो काउंटिंग शुरू होगी वोटिंग की वो इस आईटीआई से शुरू होगी। यहाँ पर आपको दिखा दें कि नंदनगरी में ये आईटीआई स्थित है, यहाँ पर ही 23 तारीख को जो भी मतदान हुए हैं उसकी गिनती शुरू होगी और उसके बाद तकरीबन शाम 6 बजे तक नतीजे सामने आ जाएंगे और छवि साफ हो जाएगी कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपको यहाँ दिखा दें कि जो सुरक्षा व्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा पुख्ता है, जगह जगह बैरिगेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। आईटीआई में हर तरफ पुलिस मौजूद है, ऊपर से भी निगरानी रखी जा रही और साथ ही साथ बैरिगेड्स की व्यवस्था जो आप देख सकते हैं पूरे आईटीआई परिसर में बाहर सड़क पर की गई है। पुलिस काफ़ी मुस्तैदी से लोगों की तलाशी भी कर रही है, चेकिंग कर रही है, जो लोग अंदर जाते हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है क्योंकि 23 मई को यहाँ पर जो है काउंटिंग होनी है, इसीलिए पूरी आईटीआई की अभी तक छुट्टी की गई है। 23 मई के बाद ही स्टूडेंट्स को एंट्री यहाँ पर होगी और स्टूडेंट्स के लिए आईटीआई खोल दी जाएगी क्योंकि जो आईटीआई है उसमें पूरा अभी इलेक्शन कमीशन का काम यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए आईटीआई खोली जाएगी। पुलिस काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। पीसीआर वैन भी यहाँ पर मौजूद है जो कि हर वक्त हर चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं कि किस तरह की कोई भी हादसा कोई वारदात यहाँ पर ना हो और जिस काउंटिंग 23 तारीख को होनी है उसके लिए पूरी मुस्तैदी से पुलिस यहाँ पर तैनात है।
आप देख सकते हैं साथ ही में यहाँ पर बस जीपो भी है, उसके लिए भी सारे में बैरिकेड्स यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लगा दिए कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही या कोई भी चोरी जो है वोटों की या ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी ना हो सके, जिसके लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और पूरी मुस्तैदी के साथ जुट चुकी है यहाँ पर। और जो काउंटिंग होनी है 23 तारीख को, उसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। उत्तर पूर्व दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में मंगलवार दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने घर पर 6 राउंड गोलियां चला दी। गनीमत यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी। मारपीट में एक किशोर समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हमले में अमन, जिसकी उम्र 16 साल, बबलू, जिसकी उम्र 25 साल के अलावा एक अन्य शख्स घायल हो गया है। दोनों पक्षों के बीच झगड़े की क्या वजह है और गोली चलाने वाले कौन है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार मंगलवार दोपहर सूचना मिली थी कि पुराने मुस्तफाबाद दिलशाद मस्जिद के पास कुछ लोगों के बीच झगड़े के दौरान गोलियां चल रही हैं। हमले में कुछ लोगों को गोलियां भी लग गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इधर पुलिस को एक मकान के बाहर गोलियों के खोके बरामद हुए हैं। पुलिस मकान मालिक और अन्य लोगों से पूछताछ कर झगड़े की वजह का पता लगाने का प्रयास कर रही है। दो लंबर गली में दो बजे ही, अभी मतलब बच्चे भी नहीं घर पे, तो मैं थी और यहीं पे देखा मैंने, बाइक पे आया और एक ने चलाई, दो तीन खड़े है, दो तीन बाइकों पे आए, धड़ाधड़ पता नहीं 10 चली है, 20 चली, कितनी चली कुछ गिनती नहीं है, उन्होंने तो चला के भाग गए। ये खड़ा हुआ था गली नंबर 2 में, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी बैठी हुई, लेकिन इस टाइम जो गोलियों की आवाज आई मैंने कहा देखूं क्या चीज है, बल्कि मेरी दुकान आप देखो क्या पोजीशन में पड़ी है, क्योंकि घबराहट में मैं बंद भी नहीं कर पाई, बच्चों को मैंने अंदर किया, लड़का मेरा था उसको भी अंदर किया, फिर जब मैंने देखा गोली इतनी तेज चल रही है कि दो गोलियां ये रही मेरे सामने, ये रही एक मैं पुलिस वालों को दे चुकी हूँ, एक मेरे हाथ में है, ये रही ये मेरे लगते लगते बची है, जो मैंने गेट बंद करा था जब मैं उसके पीछे हुई हूँ, वरना ये मेरे लग जाती, ये 8-9 गोलियां चली हैं जी, ये मेरे ही लगती, दो लोगों को उनके यहाँ मालूम करो, अभी ये उन्होंने गेट नहीं खोला, उनके यहाँ झगड़ा हुआ है। पूर्व दिल्ली में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ना तो उन्हें लोगों के घर में रहने का कोई डर है और ना ही घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का कोई खौफ है। आज आपको चोरी की एक ऐसी घटना से रूबरू दिखा कर रहे हैं जिसे देख कर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शहादरा के भोलानाथ नगर में पिछले कई दिनों से चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। मंगलवार की सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब एक चोर चोरी की वारदात को अंजाम देता है और उसकी ये सारी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चोर कितनी तसल्ली से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। अब एक बार फिर देखिए तस्वीर, किस तरह से चोर चोरी कर रहा है। सुबह 3:05 पर चोरी हुई है और मैं और मेरे हस्बैंड घर पे थे नहीं, और अभी हम आए हैं तो हम सुबह कंप्लेंट लिखवाने गए हैं, मतलब कल कंप्लेंट लिखवाई थी तो वो जो सर थे देवेंद्र यादव, देवेंद्र कुछ नाम है उनका, वो तो छुट्टी पे चले गए, उनसे बात करी तो वो कह रहे हैं एक हफ्ते बाद आके देखेंगे, तो और एक कतार सिंह ऑफिसर हैं वहाँ पे थाना फर्श बाजार में, उनको हमने बोला कि आप हमारी दूसरी रिपोर्ट लिख लो, तो कह रहे ऐसे रोज का रिपोर्ट लिखी जाती है। मैं बद्रीनाथ जी गया हुआ था तो आने के बाद मुझे पता लगा कि घर में चोरी हो गई है। तकरीबन कितने तक का सामान यहाँ से चोरी हुआ? तकरीबन 2.5 से 3 लाख तक का सामान चोरी हो गया है और बिल्कुल भी FIR दर्ज नहीं कर रहे, ना किसी को केस हैंडल कराए, बस उनका कहना है ये चोरी वोरी का जो है आपका कुछ नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे बेकार में चक्कर लगा रहे हो, आपका सामान नहीं मिलेगा। बस उस वाले रूम में कोई नहीं था और बाकी पुलिस की तरफ से भी तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी कभी ऐसा कुछ मामला सामने आया कोई? पहले तो आज तक हमें 35 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मतलब हमारी फैमिली को आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर में दो परिवार रहते थे, एक बद्रीनाथ की यात्रा पर गया हुआ था, वहीं दूसरा परिवार घर में ही मौजूद था, लेकिन फिर भी चोर ने बड़े ही बेखौफ तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया और लाखों की ज्वेलरी और नकदी को अपने जेबों में भरकर रफूचक्कर हो गया। आप देख सकते हैं यही वो गैस पाइपलाइन है जिसके जरिए चोर यहाँ से चढ़ा है और उसके बाद उसने इस गैस पाइपलाइन को अपना एक रास्ता बनाया घर के अंदर एंट्री करने के लिए। उसके बाद जब वो घर के अंदर घुसा, गैलरी से निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ा और उसके बाद जब उसने यहाँ के जो कमरे हैं उस पर
ताका झांकी की तो ये गेट उसे खुला हुआ नजर आया, जिसके रास्ते से वो अंदर की ओर एंट्री किया। दो परिवार यहाँ पर रहते हैं, एक परिवार में यहाँ पर मौजूद नहीं था, बद्रीनाथ गया हुआ था। दूसरा परिवार यहाँ पर मौजूद था लेकिन दरवाज़ा खोल के लोग गर्मी की वजह से सो रहे थे। उनका कहना है कि शादी के बाद ये लोग आए थे, थकान थी, इसके बाद काफ़ी गहरी नींद में सो चुके थे। उसके बाद जो लोग हैं उनको पता भी नहीं चला कि किस तरीके से चोर अंदर घुसा और सारी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहाँ पर मौजूद पीड़ित परिवार हमारे साथ, उनसे बात करते हैं क्या कुछ चोरी हुआ है यहाँ पे तो काफ़ी हद तक मतलब उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं सामान, जो सारा कीमती सामान था सभी ले गए। और तो और मतलब हो तो हमारे तो मतलब भगवान की मेहर हुई है कि हमारी जान ही बची है। 3 लाख रुपए की तो ज्वेलरी गई है और नकद अलग से गए हैं, मेरे अपने और भाई के अलग गए हैं, भाई का अलग से नुकसान हुआ, भाई के फ़ोन वगैरह नकद उसके अलग गया है जी। और जो मेरे बेटे के थे उसमें सामान था काफ़ी हद तक का था, भाई बहू को दे रखा था, वो सारा सामान चला गया, सारी ज्वेलरी चलेगी। और कैश था उसमें 70,000 रुपये करीब उस बेटे के पास। इस मोहल्ले में पहले भी बहुत चोरियाँ हो चुकी हैं, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी को पकड़ा नहीं जाता, कोई मतलब काम करते ही नहीं है पुलिस वाले, कोई गश्त नहीं है पूरे एरिया में, कोई गश्त नहीं लगती। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं है परिवार और कह रहा है कि ना ही पुलिस कभी गश्त लगाती, क्योंकि शाहदरा के इस भोलानाथ नगर में आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है और पुलिस इस पर कोई भी सख्त एक्शन नहीं कर पाती है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCM। बारिश से जहाँ एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, वहीं पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। जलभराव की वजह से कई जगह लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम बदलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम के अचानक करवट लेने से सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को थोड़ी परेशानियां भी उठानी पड़ी हैं। काफी गर्मी से राहत मिली है। किस तरीके का मौसम लग रहा है, क्या कूल लग रहा है? देखो दो मेरे भाई लोग फिर इंजॉय कर रहे हैं, आज बारिश का आनंद लिया है, बारिश में नहाए हैं। इंतजार रहता है ऐसे मौसम, बहुत बढ़िया इंतजार रहता है। गर्मी 43-44 टेम्परेचर हो गया था, आज 34 रह गया है, टेम्परेचर में राहत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत राहत मिली है। बढ़िया मौसम है, अच्छा लग रहा है जी, मौसम अच्छा है। क्या नाम है, बाहर के मज़े यहीं मिल रहे हैं, हिल स्टेशन के मज़े आज दिल्ली में ही मिल रहे हैं हमें तो। पहले तो कल तक तो ये हालत थी कि भाई बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ रहा था, आज तो जो है 10 काम भी हो तो भी आदमी कहता बाहर 10 चक्कर लगा ले भाई, कम से कम मौसम के मज़े तो मिलेंगे। राजधानी दिल्ली में मौसम ने करवट ले ली है, बदलते मौसम से बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, इसी की जानकारी डॉक्टर देते हुए नजर आ रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और इस मौसम के बाद जो बारिश हुई है उससे क्या कुछ दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं और किस तरह के प्रिकॉशंस हैं जो ऐसे मौसम में लोगों को लेने चाहिए, इसकी पूरी जानकारी लेते मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर अनिल गोयल, उन्हीं से बात करके। डॉक्टर साहब, क्योंकि मौसम अक्सर बदलता है और बदलता मौसम अक्सर लोगों के लिए दुखदायी भी होता है, ऐसे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार अगर इस तरह से मौसम ने करवट बदली ही है तो क्या कुछ दिक्कतें लोगों को फेस करनी होंगी और उन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फेस ना करें उसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? देखिए, अभी आपने देखा हो इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही थी, अचानक बारिश हो गई, तो ये जो मौसम बदलता है इससे शरीर की इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। जो हम आजकल बहुत कॉमनली देख रहे हैं गर्मी के कारण और मौसम बदलने के कारण भी, बच्चों में निमोनिया हो रहे हैं, बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहे हैं, बच्चों में टाइफाइड फीवर हो रहे हैं, एक तो ये बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं, खासतौर से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है या लाइफस्टाइल डिजीज़ है, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हार्ट की डिजीज़ हैं, किडनी का प्रॉब्लम्स है, तो उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस या पेट की बीमारियों का बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी उनकी आवश्यकता है। ज़रा सा भी लूज मोशन हो दिखाएं। और प्रिवेंशन का आपने अगर पूछा तो बड़ा सीधा सा है कि आप साफ़ सफाई रखें और मौसम जैसे गर्म है, अभी तो बारिश हो रही है, दोपहर में गर्म मौसम में निश्चित रूप से कवर कर कर निकलें और साफ़ पानी पिएं। सबसे इम्पॉर्टेंट है साफ़ पानी। मैं ये देखता हूँ कि सड़कों पर मशीनों में पानी बिक रहा है, वो साफ़ पानी नहीं है, वो पता नहीं बोरिंग का है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन साफ पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी से जनित बीमारियों की। दूसरी प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन की, जैसे कि बहुत गर्मी है तो पानी निकलता है बॉडी का, हमने पानी से कवर नहीं किया, और वो भी वल्नरेबल एज ग्रुप या बच्चे हैं या बड़े हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी जैसे मान लीजिए, जैसे अभी गर्मी में एक और बीमारी है हमारी डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया वाली, मुझे लगता है ये अभी जैसे कि सबसे ज़्यादा इसके 2 सीज़न होते हैं, अप्रैल जब मौसम बदलता है और उसके बाद सेप्टेम्बर अक्टूबर, तो अब इनका भी साइकिल चेंज हो रही है,
क्योंकि मौसम की साइकिल चेंज हो रही है, तो ये भी कब हो जाए, कब आपको प्लेटलेट की कमी हो जाए, ये भी अब हम लोग नहीं कह सकते। नॉर्मली अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में ये बीमारियां होती हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर अनिल गोयल मेरे साथ, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए जानकारी बेहद कारगर साबित होगी। कैमरा पर्सन मोहित कैंत के साथ वंदना कश्यप, CCN। पूर्व दिल्ली के कांग्रेस और आप नेताओं ने गठबंधन होने से फायदा या नुकसान होता है, इस पर अपनी बात रखी है। जहां एक और आप नेता ये कहते नजर आए कि गठबंधन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं कांग्रेस नेता ये कहते नजर आए कि गठबंधन होता तो नुकसान होता। गठबंधन होने की भी प्रॉब्लम थी और ना होने की भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर जो गठबंधन हो जाता तो आज तो कुछ सीटों पे सब लोग मिलके लड़ लेते, और फिर दिक्कत ये आती कि आने वाला इलेक्शन जो है 6 महीने बाद है, 7 महीने बाद है, उसके अंदर दिक्कत आ जाती, फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए अच्छा यही है कि दोनों पार्टीज ने जो भी डिसीजन हुआ, अलग अलग इलेक्शन लड़ा, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए भी जो है रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स हैं जो कि हर एक चेन बनी हुई है, और उस चेन ने जो है काम किया है, इस बारी सबने बड़ी मेहनत के साथ काम किया है, तो इसलिए हम पूरी उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया है। मैंने लोगों को बस सुना मैंने लोगों को कहते हुए कि दिल्ली के स्कूल, जिस स्कूल में वोट पढ़ रहे थे, इतने बढ़िया लोगों को लगे स्कूल, बच्चे जाते थे पहले स्कूल में, माता पिता भी गए स्कूल में, उसके बाद हॉस्पिटल्स का, बिजली के बिल पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली में कम है, तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है केजरीवाल साहब की, और अतिशी को वोट पड़ा है, काफ़ी वोट पड़ा है, तो इनके कोई गठबंधन नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे को, और इसमें ऐसा चिंता करने का विषय नहीं है। मैं जिससे ही पूछ रहा हूँ वो सभी कह रहे हैं कि झाड़ू पे मोहर लगाई हमने, चाहे वो जितना भी शोर मचाया उन्होंने कांग्रेस वालों ने, वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, कांग्रेस तीसरे नंबर से भी शायद दूर जाएगी, मेरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।